तहत जब हम शुक्रवार को बात कर रहे थे उसी समय हमने बता दिया था कि हम सोमवार को किस विषय पर बात करेंगे। यू दुनिया में उस दौरान बहुत कुछ घटा जिसके कारण से विषय परिवर्तित किया जा सकता था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, वहां के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई है, लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, बात की भी जा सकती थी। महत्वपूर्ण यह भी है कि देश में तमाम राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए, विधानसभा उपचुनावों के परिणाम आए हैं, 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, 10 पर इंडिया गठबंधन जीत गया और जो एनडीए है वो महज 3 सीटों पर विजयी हुआ। बातचीत के लायक विषय है, इस पर भी बात की जा सकती थी कि ये सभी विषयों से परे जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है उस विषय को ही हमने आज भी चर्चा का आधार माना हुआ है। हमारा आज का विषय है संविधान पर प्रहार, कौन कितना जिम्मेदार। संदर्भ इसका यह कि भारत सरकार के द्वारा एक विधिवत अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के माध्यम से देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बताया कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब से 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि तकरीबन 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को ही तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था। यह आपातकाल आंतरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर लगाया गया था, जिसके तहत तमाम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो गए थे। बड़ी संख्या में लोगों को प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ा था। बड़ी संख्या में राजनेताओं को या तो जेल में रहकर अपना जीवन काटना पड़ा या भूमिगत रहकर आजादी की लड़ाई को लड़ना पड़ा। कुल मिलाकर 21 माह तक ये आपातकाल का दौर चला और इसकी परिणति आखिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक बड़ी हार के रूप में सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उस समय के तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर कांग्रेस को समय समय पर घेरते रहते हैं, यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका लोगों की आजादी के साथ कोई नैतिक बात कहने का अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुश्किल ये आन खड़ी हुई कि जब इस बार वर्ष 2024 के चुनाव हुए तो जिस प्रकार से कांग्रेस को संविधान के संदर्भ में खतरे के रूप में व्यक्त किया जाता था, वैसे ही विपक्षी दलों ने, खासतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी को संविधान के संदर्भ में एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो अपना लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, उसके पीछे मूल भाव, मूल उद्देश्य संविधान को खत्म करना है, संविधान को बदल देना है। भारतीय जनता पार्टी के कई जिम्मेदार नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का बयान देकर कांग्रेस की मदद कर दी। मामला यहां तक बढ़ा कि आखिर में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि मुझे तो छोड़िए, स्वयं अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो वो भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को इस रूप में जताने की परिणाम के बाद भी चेष्टा की है कि यह सरकार संविधान विरोधी है, संविधान के प्रति द्वेष रखती है, संविधान के प्रावधानों के प्रति नकारात्मकता रखती है। और यही कारण है कि जब शपथ का समय आया लोकसभा में तो तमाम राजनेता जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे संविधान का नाम लेकर शपथ लेते हुए दिखाई दिए, संविधान की जय बोलते हुए दिखाई दिए और इसको लेकर वातावरण तल्ख भी हुआ। अब ऐसी पृष्ठभूमि के बीच 25 जून गुजर जाने के 15 दिन बाद भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया यह नोटिफिकेशन वस्तुतः देश की आजादी के संदर्भ में, देश के नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में संरक्षण के उद्देश्य से लाया गया है या इसके केवल और केवल राजनीतिक निहितार्थ है, इसको समझने की जरूरत है। क्या हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी या इस देश के लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी सजग रहे, सचेत रहे, जागरूक रहे, इस संदर्भ में कोशिश की जाएगी। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस विषय पर खलनायक के रूप में प्रस्तुत की जाती है उस कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ साहसपूर्ण फैसले के साथ में सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। हमारे साथ में त्रिवेदी साहब मौजूद हैं। त्रिवेदी जी साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। शरद त्रिवेदी जी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। इस फैसले को किस दृष्टि से उनकी पार्टी देखती है जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारी दिलचस्पी देवेंद्र वर्मा जी के साथ भी है क्योंकि वो संविधान विशेषज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लंबे समय तक प्रमुख सचिव रहे हैं,
जब भी ऐसे नाजुक मौसले होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने, और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डालेंगे। एक बयान रविशंकर प्रसाद जी का है, जाने माने कानूनविद हैं, देश के कानून मंत्री रहे, अभी सम्मानीय सांसद हैं। दूसरा पवन खेड़ा जी का, एक बार देखिए क्या बोल रहे हैं ये दोनों राजनेता। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, नसबंदी की गई, दिल्ली में तर्कमान गेट में तोड़ करके सबको गिरा दिया गया, पूरे भारत में खौफ का माहौल, कोई बोल नहीं सकता, कोई उफ भी नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ियों को यह कहना बताना जरूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। पिछले 10 साल का दौर है डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की, कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर, ये होता है संविधान की हत्या करना, कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष, मतलब जो सत्ता में बैठे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठे हैं ये संविधान के हत्यारे रहे, और जो इस समय विपक्ष में बैठे हैं वो बता रहे हैं कि सत्ता में जो बैठे हैं वो रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। लेकिन अचरज मुझे इस बात पर होता है कि हमारा संविधान कैसा है जो हत्या होने के बावजूद भी बना हुआ है। भारत सरकार ने विधिवत अधिसूचना जारी की है, संविधान हत्या दिवस। जब हत्या ही हो गई तो क्या माना जाए कि इस देश में अब संविधान नहीं है? पर जिस पार्टी पर संविधान को कुचल देने का आरोप है उसके प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत जी। भारत सरकार का यह फैसला आपको कितना शर्मिंदा कर रहा है सुरेंद्र राजपूत जी? थोड़ा रोशनी देंगे, इस फैसले से आने वाले समय की चुनौतियों को आप किस रूप में देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी आपको खलनायक के किस स्तर पर देखेगी, इसको लेकर कितने आशंकित और आतंकित आप हैं सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, देखिए हमें तो कुछ चीजों पर पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसलों पर क्रोध आता था, लेकिन अब क्रोध भी नहीं, अब एक तरीके की अजीब सा उसको क्या बोलेंगे, एक भाव आ जाता है जिसमें क्रोध से भी आगे की चीज जो हो जाती है आदमी खींच सी आ जाती है। आप लोग सब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में आपके अधिकार, हम सबके अधिकार सस्पेंड हुए, हम लोगों ने वो फैसला गलत था, गलत की माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर। हम उस फैसले को बहुत अंदर तक आलोक में नहीं ले जाएंगे कि क्या सिविल नाफरमानी थी क्या नहीं था, वो सब अपने, हम तो कहते गलत था, गलत था, माफी मांगी। उसके बाद जनता ने जो है हमको सत्ता से हटाया, और जनता जिसको सत्ता में लाई थी वो कुछ समय बाद आपस की सिर फुटव्वल में, बंदर बांट में इस तरीके से लग्न हो गए कि 1980 में जनता ने फिर हमको 360 सीट दे करके सत्ता में दोबारा से ला दिया। तो जनता ने उस फैसले को ऑलरेडी क्षमा कर दिया था 1980 में। अब आज 2024 में 20 यानी लगभग जिसको कहा जाए 80 से 20 साल ये हो गए, और 44 साल बाद आज भारतीय जनता पार्टी को उस चीज जी उसकी हत्या की आप आज की डेट में क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है इन लोगों की, मूल रूप से मैं आपसे बताऊं, क्योंकि ये खुद हत्यारे हैं। इस तरीके के हत्यारे हैं कि दिन ब दिन पिछले 10 साल लगातार इन्होंने हर दिन किसी न किसी नागरिक के अपने अधिकार की जो है वो हत्या की है। आज की डेट में मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं हिमांशु भाई, पंत नगर, अबरार नगर, अकबर नगर, इनके सबके बाशिंदे हैं, लगभग 2000-3000 से मकान ज्यादा मकान है यहां पर, उनके पर्सनल अधिकारों की हत्या कर रहे हैं पिछले 40 सालों से। जाए जिस जगह पे इनका क्या नाम वाटर टैक्स जा रहा हो, जिस जगह पे बाकी सारी चीजें जा रही हो, जिस जगह पे सीवर टैक्स जा रहा हो, नगर निगम की गाड़ियां आती हो, उस जगह के लोगों को मकानों को कह रहे हैं कि अवैध हैं, और इन अवैध मकानों से आपको हटाएंगे और आपको एक एक जनता फ्लैट दे देंगे।
इस तरीके से ये लोग संविधान की हत्या करते हैं, इस तरीके से हत्या करते हैं कि बुलडोजर किसी के भी घर चढ़ा दीजिए, इस तरीके से हत्या करते हैं कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है उन सड़क पे आना पड़ता है, इस तरीके से हत्या करते हैं कि रात को 1:30 बजे सीबीआई को जो है ये सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज करते हैं कि राफेल की एफआईआर ना हो जाए, इस तरीके से हत्या करते हैं कि लगातार आज की डेट में कोरोना काल में जिन जिन ने भी 3 बूस्टर लगाई हो उनसे मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि भैया अपना D-dimer टेस्ट जरूर करा लिया कीजिए, क्योंकि एस्ट्राजेनिका की वो जो क्या नाम वैक्सीन है उस वैक्सीन ने कई एक रेयर वो हो गया है कि वो भी ब्लड जमा देती है और आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तमाम तरीके से ये लोग अच्छा उन्हीं सब लोगों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के उन कंपनियों को काम करने की इजाजत देते हैं, इस तरीके से हत्या करते हैं, मेगा इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के उनको बंबई का ठेका देने की 14,000 करोड़ की बात करते हैं, इस तरीके से तमाम तरीके से ये लोग रोज की रोज हत्या कर रहे हैं। चूंकि हत्या कर रहे हैं इसीलिए इन्होंने संविधान हत्या दिवस बताया। अगर संविधान की हत्या हो गई तो भाई 44 साल से पिछले संविधान कैसे चल रहा है यह बताइए। और हम तो एक चीज कहना चाहते हैं ना आपसे, आप इस दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाना चाहते थे, काला दिन मनाइए, गोरा दिन मनाइए, लाल दिन मनाइए, और कोई विरोध नाम रख दीजिए, लेकिन ये हत्या दिवस कैसे हो सकता है? आप ये कोई आदमी हमको बता सकता है कि संविधान के किसी माई के लाल की औकात है कि कोई संविधान की हत्या कर दे? संविधान की हत्या तो नरेंद्र मोदी जी हम आपको नहीं करने देंगे। आप 400 के पार ले जाकर के संविधान को खत्म करना चाहते थे, हम हत्या नहीं कहेंगे, लेकिन जनता ने आपको 240 में लाकर के पटक दिया ना, बता दिया ना कि संविधान की हत्या कोई नहीं कर सकता। संविधान की हत्या ये लोग कैसे कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। UPSSC के जो एक आज ही आया है एक क्या नाम विज्ञापन जिसमें 307 पोस्टें हैं फार्मासिस्ट की होम्योपैथिक के, वो फार्मासिस्ट की पोजीशन जो है हिमांशु भाई उसमें कैसे संविधान की हत्या कर रहे हैं वो आप जरा देख लीजिए। इनकी जो टोटल वो है आपकी 307 के आसपास पोस्टें हैं जिसमें से 161 ये लोग कहते हैं कि साहब 161 तो हमारी वो है जनरल कैटेगरी की और 107 EWS की है और ST की मात्र कहते हैं क्या नाम 87 है और OBC की कहते हैं 39 है। 27% की अगर वो बात करते हैं और ओबीसी की 39 करते हैं, संविधान की हत्या ये है, जो आरक्षण की हत्या करेगा वो संविधान की हत्या करेगा। आज की डेट में जिस तरीके की ये जो बातें करते हैं ना हिमांशु भाई, आज इनके ऊपर खुद ओनस है, क्योंकि अब ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं प्रतिपक्ष को। प्रतिपक्ष एक सवाल है सुरेंद्र भाई आपसे, आपने कई सारी बातें रख ली, कल मिलाकर आपने खुद माना कि 25 जून 1975 को जो हुआ था वो गलती थी, हमने उस गलती को स्वीकार लिया, हमने उस गलती को मान लिया, तो क्या आने वाली पीढ़ी को उस गलती के विषय में एहसास नहीं कराया जाना चाहिए? भाई देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, पर इसके बावजूद भी हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार के अत्याचार अनाचार इस देश की जनता पर किए गए, किस प्रकार का उसका प्रतिकार हमारे देशभक्त लोगों के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना है, सचेत करना है, अपने अधिकारों के विषय में बता कर रखना है, इसलिए हम ये उपक्रम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भूल ना जाए कि अतीत में चुनी हुई सरकार ने इस देश के अंदर क्या किया। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? ये हिमांशु भाई मैंने जवाब दिया ना, आप शायद सुन नहीं पाए, आपका ध्यान, या तो आप तो बड़े सुधी आदमी है, मैंने तो बहुत साफ साफ कहा कि इस दिवस को मनाइए, हम नहीं रोक रहे, लेकिन संविधान की हत्या का क्या मतलब है? जो क्रूर लोग हैं, जो हत्यारे लोग हैं, वही ऐसे शब्द, आप काला दिवस मना लीजिए, गोरा दिवस मना लीजिए, इमरजेंसी विरोध दिवस मना, जैसे हमने क्या किया जब आजादी आई तो हमने क्या अंग्रेजों की हत्या दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने संविधान दिवस मनाया, हमने चाचा नेहरू का दिवस मनाया, हमने इस तरीके के तमाम सैकड़ों दिवस हमने जो वो किए हैं यहां पर, हमने तकनीकी दिवस मनाया, हमने बाल दिवस मनाया, हमने कहा किसी की हत्या का, हमने शहीद दिवस मनाया। हम तो ये भी कह सकते हैं कि गांधी हत्या दिवस आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर के गोडसे ने हत्या करी, गांधी हत्या दिवस भी तो हम कर सकते थे। सच बात यह है कि संविधान की हत्या दिवस मनाने का अपने आप में जो जो जिन लोगों ने वो किया वो प्रयास ही घृणित प्रयास है, आप इसका विरोध करिए, प्रयास ही घृणित है। मेरे पास में शरद त्रिवेदी जी के पास जाने का समय हो गया। शरद जी सबसे पहले जानना यही है, संविधान हत्या दिवस कहां से खोज कर लाए आप ये शब्द? और अगर संविधान की हत्या ही हो गई है तो अभी जो कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है?
थोड़ा इसके विषय में बताया, जिसकी हत्या ही हो गई तो क्या लाश के सहारे जी रहे हैं हम लोग? ये देश एक लाश पर चल रहा है, ये सवाल जहन में आता है। चले जी, सुधी आदमी है, थोड़ा मार्गदर्शन देंगे हमें। हिमांशु जी, देखिए मार्गदर्शन तो राजा साहब दे सकते हैं, मेरे मित्र हैं और राजा भी हैं। मैं उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। जो उन्होंने कहा था कि साहब संविधान की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, तो सरकार पिछले 4-5 साल से तो यही चल रहा है, और ये कह रहे हैं उससे पहले भी 10 साल से संविधान की हत्या हो रही है। तो केंद्र सरकार ने, बल्कि पूरे भारत सरकार ने इस चीज को लागू करवाया है कि साहब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप एक दिन को हम संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। आप उसने सारी जितनी जिस तरीके से संविधान की जब जब हत्या हुई है, आप उसका दिवस मनाइए। कैसे 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया था उसके बारे में मनाइए। किस तरह संविधान के बनने से पहले भी जो भावी संविधान था उसकी भी हत्या करने का प्रयत्न था, कि जब जीपें आयात करी गई तो कैसे 1500 जीपें ऑर्डर करी गई और 85 जीपें आई, वहां संविधान की हत्या हुई। और संविधान बनने के बाद 1.5 साल के अंदर 18 जून को संविधान की हत्या पहली बार करी गई। 17 बार नेहरू जी ने हत्या करी, 28 बार इंदिरा जी ने हत्या करी, 10 बार राजीव जी ने हत्या करी और 7 बार युवा नेता ने हत्या करी है। तो इतनी बार जब संविधान की हत्या हो सकती है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हुई है। अरे शरद जी, बीच में रोकना चाहता हूँ, ये हत्या के प्रयासों में आपको अपने हाथों में भी कुछ खून लगा हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है? या आपको लग रहा है कि आपके हाथ बुरी तरीके से धुले हुए हैं? वो हरीश रावत की सरकार के संदर्भ में आपके उपक्रम और उसमें कोर्ट का दखल, क्या मानते हैं, देश भूल गया? नहीं नहीं हिमांशु जी, देखिए कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये तो उनकी आप करें तो गलती है, और कोई अन्य दल के सरकार के द्वारा हो जाए तो वो हत्या है। जी शरद जी, नहीं मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे थे। मेरा सवाल इतना ही था कि अगर आप करते हैं तो वो एक महज गलती होती है, और दूसरी सरकारें अगर कर दें तो वो हत्या होती है, यही है आपका नजरिया? 91 चुनी हुई सरकारों को जिन्होंने बर्खास्त किया है, उन्होंने संविधान की हत्या नहीं करी। जिन्होंने चुनी हुई सरकार को किस तरह इन्होंने जेल में किया है, किस तरह एनटी रामाराव जी की सरकार को बर्खास्त करके 7 दिन बाद ट्रेन दिल्ली पहुंची, अगर पैदल भी आते तो शायद 7 दिन में दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन ट्रेन जो है वो 7 दिन बाद दिल्ली पहुंची थी। तो ये जो इन्होंने जो काम किया, नेली मैसेकर हुआ इनके कार्यकाल में, संविधान की हत्या नहीं। अभी जो हमारे ठाकुर साहब बुलडोजर की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो बुलडोजर इनकी सरकार ने चलाया है तुर्कमान गेट पे, वहां तो कोई इलीगल नहीं था, वहां तो कोई गैरकानूनी था भी नहीं, ये तो हमने गैरकानूनी जो बसा था उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगाई है, हाई कोर्ट ने इस पे मोहर लगाई है, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उस पे। लेकिन जो जिनके कार्यकाल में बिहार में 400 लोगों की हत्या हुई, 5000 लोगों की हत्या दिल्ली में हुई, तो जहां इस तरह की जिन्होंने हत्या करी है, तो हमने तो ये कह दिया है कि साहब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप इस फलानी तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाइए। हम तो इनकी बात मान रहे हैं, अगर हम ना इनकी बात मान रहे हैं तो हम मेरे सवाल पर आप नहीं जा रहे शरद जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर संविधान की हत्या हो गई है, क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो अभी देश जिस रीति नीति पर चल रहा है वो क्या है? लाश है जिसके सारे देश संचालित हो रहा है, संविधान की तो हत्या हो चुकी, तो संविधान तो रहा ही नहीं, क्योंकि सरकार ही कह रही है संविधान हत्या दिवस। तो थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना शरद जी, आप तो विवेकवान व्यक्ति हैं। हत्या जिस दिन इन्होंने करी थी उस दिन का, उस दिन देश नहीं खत्म हो गया था, उस दिन इन्होंने संविधान की हत्या करी थी, इन्होंने प्रयत्न किया था संविधान की हत्या करने का। तो ये आप नया संविधान कब लेकर आ रहे हैं? पुराने संविधान की तो हत्या हो गई, नया संविधान कब आ रहा है? नहीं नहीं इन्होंने हत्या करी थी, ये तो खुद कह रहे हैं ना कि अमित साहब संविधान की हत्या हुई है, तो हम तो इनकी बात मान रहे हैं। शरद जी हमारी बात पर जाइए ना, थोड़ा सा थोड़ी मदद कीजिए भाई। जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को इस देश ने लागू किया था, उस संविधान की हत्या हो गई 25 जून 1975 को, ऐसा भारत सरकार का 3 दिन पहले जारी हुआ नोटिफिकेशन बता रहा है। तो शरद त्रिवेदी जी उस दल के प्रवक्ता के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो देश में सत्ता का नेतृत्व कर रहा है। मेरा सवाल विनम्रता पूर्वक शरद जी आपसे यह है कि जब संविधान की हत्या हो चुकी, वो तो मर गया संविधान, हत्या का मतलब ही हो गया, खत्म, निपट गया, सरकार कह रही है, तो कोई नया संविधान चाहिए।
तो 400 पार तो आप नहीं गए, 241 पर रह गए आप, एनडीए 300 के आसपास। उससे नया संविधान सृजित कर देंगे, नए संविधान की हम कोई उम्मीद रखें, नए संविधान के प्रावधान की उम्मीद रखें, इसमें कोई रोशनी देंगे शरद जी? नहीं, जो इन्होंने आपको लगता है कि ये शब्द गलत चुन लिया, ये संविधान हत्या दिवस नहीं होना था, जो सुरेश राजपूत जी कह रहे हैं, कोई और शब्द चुना जाना था, वो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा प्रासंगिक होता, ज्यादा तार्किक होता। शरद जी देखिये, जो इन्होंने कहा है हमने उस बात को माना है कि संविधान की हत्या हुई है, ये रोज कह रहे थे संविधान की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही, हम तो इनकी बात मान रहे हैं। ये आपको एक दिन दे दिया गया, आप उस दिन मनाइए संविधान की हत्या इन्होंने कैसे करी थी, उसको हम भी मनाते हैं, ये भी मनाए संविधान की हत्या, हम तो इनके साथ खड़े हैं। कर जी हमारे साथ में दलील दे नहीं पा रहे कि संविधान की अगर हत्या हुई तो वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या है, पर मेरे साथ इस विषय पर तार्किक बात करने के लिए देवेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये संविधान की हत्या कैसे हो गई? संविधान के पल्ले पलटते हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 18वां खंड है, 18वें खंड में आपातकाल संबंधी प्रावधान है, 3 स्तर के आपातकाल की व्यवस्था है, 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत, संविधान में ही है। संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान का पालन करते हुए देश की चुनी हुई सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया गया। आपसे जानना ये चाहता हूं कि संविधान कहता तो मानेंगे ना कि संविधान से परे जाकर कोई काम कर दिया गया और संविधान मुलतवी कर दिया गया, संविधान निरस्त कर दिया गया। जो संविधान में ही व्यवस्था है उस संविधान की व्यवस्था को अमल में लाया जाना संविधान की हत्या करना कैसे होता है? देवेंद्र भाई थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें, बड़ी जरूरत है मुझे इस समय आपकी। देखिए, संविधान की हत्या इस शब्दावली से तो मैं भी सहमत नहीं हूं आरंभ से ही, जब ये सबसे पहली बार हुआ और फिर गजट नोटिफिकेशन भी देखा, ये तो सरकार का इसको संविधान का हत्या दिवस कहना नितांत उचित नहीं लगता। आप जैसा कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है 352 और 356 मुख्यतः, और एक वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का है, तो 352 है राष्ट्र के लिए इमरजेंसी लगाना और 356 है वो प्रदेशों में इमरजेंसी लगाना। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देख रहा था, ऐसा रेफरेंस मिलता है कि ये जो दो प्रोविजन है ये इसलिए लगाए कर दिया था, तो इसलिए एक तो नेशनल स्तर के ऊपर इमरजेंसी लगाने के पीछे एक वो तर्क था, और दूसरा राज्यों में जो इमरजेंसी का प्रयोजन किया, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये जो कुछ राज्य थे जो अपना एक्सेशन वहां चाहते थे, पाकिस्तान के साथ में चाहते थे आखिरी आखिरी तक, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये दो प्रोविजन इसमें जोड़े गए थे। इसके पीछे आशय ये बिल्कुल भी नहीं था कि देश के अंदर की राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भी इस प्रोविजन का उपयोग करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि 74 में जब ये इमरजेंसी लगाई गई, 75 में, उसके पहले की शायद आपको स्मरण नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन मुझे अभी भी स्मरण है, बहुत आंदोलन चल रहे थे। वो चाहे आंदोलन का कारण, चाहे इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन पिटीशन वो हारी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर तो आप रह सकते हैं लेकिन एज ए सांसद आपको ये सारे रेमुनरेशन और ये सब लाभ नहीं मिलेंगे। लेकिन उस समय की जो पॉलिटिक्स, जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का वो कर दिया था गुजरात में, क्योंकि आज अवसर आया तो बता रहा हूं, उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं भी काफी हिस्सा लेता था, और जबलपुर में क्योंकि था इसलिए वहां पर समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था, और हम देखा करते थे कई हमारे साथ के, क्योंकि जो जिनको हम जानते थे, जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे या कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, वो भी सब इमरजेंसी में, उनको भी बंद कर दिया गया था। तो ये जो कारण था इनको लगाने का, तो वो पूरे प्रदेश में जॉर्ज फर्नांडिस उस समय बहुत बड़े लेबर लीडर हुआ करते थे, पूरी रेलवे की उन्होंने स्ट्राइक घोषित कर दी थी, यानी ये बात तो सही है कि एक एनआरकी का माहौल था और पूरी देशों और इसी और उसी बीच ही इंदिरा गांधी का चुनाव आ गया, तो इंदिरा गांधी इन सब के उसमें, अच्छा इंदिरा गांधी भी जब भी कभी कोई राजनीतिक जब ज्यादा पावरफुल होता है तो निश्चित तौर पर शुरू से कोई तानाशाही नहीं रहता, तानाशाही की प्रवृत्ति तो धीरे धीरे बढ़ती है, तो
तो इंदिरा गांधी में भी बढ़ी। अब बढ़ने का जैसे बढ़ने के जो उदाहरण है वो मैं अभी भी देखता हूँ, मतलब दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। अपनी इच्छा से मुख्यमंत्रियों को बनाना प्रदेशों में, अपनी इच्छा से जब चाहे जब किसी को भी हटा देना, यानी अभी भी आज की स्थिति में भी यही स्थिति करीब करीब है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तानाशाही, लेकिन जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिला रहा हूँ। वो आपको भी पता और आप भी बहुत माइनरिटी ऑब्जर्व करते हैं, तो उन सारी परिस्थितियों में इंदिरा गांधी के समक्ष ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था और जो उनके सलाहकार थे रे, तो ये उन्होंने, लेकिन अब इमरजेंसी लगाने के पीछे पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। प्रक्रिया का पालन ऐसा है कि इमरजेंसी लगाने का निर्णय खुद इंदिरा गांधी ने ले लिया और बाद में कैबिनेट का अप्रूवल लेके, और बाद में कैबिनेट का अप्रूवल लिया, लेकिन पहले इमरजेंसी लगा दी गई। अब उसके बाद में, यदि उस समय की स्थिति ठीक है, लेकिन और इमरजेंसी में निश्चित तौर पर जब ऐसा होता है तो ऊपर से जो आदेश जाते हैं नीचे तक उनकी स्थिति क्या होती है वो सबको, आपको हमको सबको अनुभव है। तो एक डंडे, एक कोई डंडा मारने के लिए कहता है तो वो उसको चाकू मार देता है, इस टाइप से मैसेज नीचे जाते हैं। निश्चित तौर पर उस समय कुछ ज्यादतियां हुई इमरजेंसी के दौरान, लेकिन इमरजेंसी हटाई भी इंदिरा गांधी ने ही, और वापस अच्छा सभी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब एक साथ हो गई कांग्रेस के अलावा सारे के सारे, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हो गया, जेपी का बिहार में छात्र संघों का आंदोलन हो गया, इस वजह से इमरजेंसी लगाई गई और फिर इमरजेंसी हटाई भी। लेकिन अब कोई इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं 78 में, उसमें अब इमरजेंसी लगाने के लिए यदि कोई सोचेगा भी तो उसको कैबिनेट का लिखित प्रस्ताव चाहिए, लिखित रिजोल्यूशन चाहिए, प्रेसिडेंट तभी प्रेसिडेंट लगा सकता है, अब केवल मौखिक तौर पर नहीं लगा सकता। तो ये सारे निराकरण हो गए हैं। मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहता हूं, हम किस बात से परेशान है, देश में आपातकाल लगा, आपातकाल से इस देश के नागरिकों के जो अधिकार है वो निलंबित हो गए। 44वां संशोधन है भारतीय संविधान का, वो संशोधन में केवल इतना है कि आंतरिक संघर्ष के स्थान पर सशस्त्र संघर्ष शब्द आ गया है, बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र संघर्ष। जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है वो दमदार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट उसके इशारे पर काम करती है, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कैबिनेट के इशारे पर काम नहीं करता। जो माननीय राज्यपाल या राष्ट्रपति होते हैं, कहने में क्या गुरेज, कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है वो अपने आप में इतना प्रभावशाली होता है कि राज्यपाल उसके मिजाज के अनुसार चलते हैं। अगर सत्तारूढ़ दल के हैं, विरोधी है, तो मुख्यमंत्री को किस तरीके से चाहते हैं वो भी दृश्य हम देखते हैं। मेरा आपसे जानना यह कि जब देश के संविधान में अभी भी आपातकाल संबंधी प्रावधान मौजूद है, हासिल क्या कर लेंगे? क्या जरूरी नहीं है कि अगर हम इस कार्य को इतना अनुचित पाते हैं, इतना गैर जरूरी पाते हैं, संविधान के प्रावधान का इस्तेमाल करने को संविधान की हत्या करार देने के लिए तैयार हैं, तो फिर अगर वास्तव में संविधान को बचाना है तो यह प्रावधान ही समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहते हैं देवेंद्र भाई, कई उलझे देते हैं हम इस फैसले में, नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की चिंता आपको ज्यादा दिखती है, या कुल मिलाकर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है कि कौन संविधान का ज्यादा बड़ा हितैषी है, उसमें अपने आप को संविधान के ज्यादा बड़ा हितैषी बताने के लिए उठाया गया कदम? निश्चित तौर पर यही है कि ज्यादा हितैषी बताने वाला कदम है, क्योंकि इमरजेंसी कोई अभी नहीं लगी थी, लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं। इन 50 वर्षों के बीच में मीसा बंदियों को सारा अलाउंसेस और पेंशन और सब देना शुरू किया। इवन 20 सूत्री कार्यक्रम जो इमरजेंसी के समय में लागू हुआ, वो 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग अभी भी बहुत से राज्य सरकारों में ही चल रहा है। छत्तीसगढ़ में ही है 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष हुआ करते थे वहां राजनांदगांव वाले एक भाजपा के एक नेता थे वो, तो ऐसा पारिक उनका नाम है, हाँ पारिक। तो 20 सूत्री कार्यक्रम उसी समय से चल रहा है। इमरजेंसी क्या था चाहते, तो वो इमरजेंसी जब खत्म हुई तो वो सारे कार्यक्रम उस समय कहता देते जब कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तो केवल क्योंकि कांग्रेस, ये पूरा राजनीतिक युद्ध है, कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि संविधान का की हत्या कर रही है भाजपा, ऐसा एक शब्दावली का आरंभ किया। उसके जवाब में यदि इनको पहले से होता तो 25 जून को ही कर देते, या
50 वर्षों तक जो निकल गए उस समय नहीं किया, उस समय सबको पेंशन वेंशन लागू करी वो सब हुआ, लेकिन तब उस समय नहीं किया। अब ये किया तो ये केवल एक राजनीतिक शब्दावली का उपयोग किया है कि कैसे इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए, तो जवाब कैसे दिया सके। तो अब मुझे रमेश जी आपके पास आना है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो सर्वोच्च नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी और सम्माननीय अमित शाह अपनी रणनीति के लिए ख्यात है, कब कहां कैसे किसे इसके संदर्भ में इनकी भारत के लोग कायल हैं। अमित शाह को तो आधुनिक चाणक्य ही कहते हैं, तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इस बार चूक गए थोड़ा सा, 25 जून 2024 की जगह 10 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तारीख को लेकर भी चूक गए और शब्द को लेकर भी चूक गए। यार अमित शर्मा जी मानते हैं दोनों जगह सटीक बैठे हैं, एकदम ठीक किए हैं, ऐसे ही होना था, यही होना था। रमेश जी देखिए मोटे तौर पर हिमांशु जी जो आपने सबसे पहले शब्द दिया कि हत्या शब्द को लेकर के एक राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, संविधान की हत्या शब्द पहले कांग्रेस लेकर के आई और भाजपा ने उसका जवाब दिया। हम सरकारें कुल मिलाकर के तीन प्रकार का निर्णय लेती हैं। एक प्रकार का निर्णय वो होता है जो संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है, दूसरा निर्णय ये होता है संविधान के अधिकारों के अनुरूप ठीक से काम करना, और तीसरा निर्णय होता है संविधान को सस्पेंड करना। तो अगर मैं आपातकाल को भगवान जी कृपा से मेरे पिताजी के तब से मैंने उस समय रिपोर्टिंग की है और एक अच्छे रिपोर्टर में उन दिनों मेरी गिनती होती थी, आपातकाल को अगर हम देखेंगे तो जो आंदोलन शुरू हुआ, यहां मैं देवेंद्र जी की बात में एक बात से असहमत हूं कि आंदोलन जो शुरू हुआ वो अराजकता के कारण शुरू, आंदोलन जो शुरू हुआ वो महंगाई के कारण शुरू हुआ, और ये महंगाई जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अचानक देश में महंगाई बढ़ी और उस महंगाई को नियंत्रण नहीं कर पाया। मैं हालांकि बहुत छोटा बच्चा था, मैंने नेहरू जी की वो सभा सुनी है 1963 वाली, जब चीन के युद्ध के बाद जो महंगाई हुई थी उन्होंने लोगों से अपील की थी, हाथ जोड़ के कहा था कि महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे, और लोगों से दान मांगा था तो वो लोगों ने दान दिया था, मेरे घर से भी कुछ दान गया था। तो लेकिन उस वक्त वो जो आंदोलन शुरू हुआ वो महंगाई का आंदोलन शुरू हुआ, और स्वाभाविक रूप से जो समाचार पत्र में मैं काम करता था, मैं काम करके घर पहुंचा वो तोड़ दिए गए थे सारे के सारे फर्मा, और भोपाल का सेकंड नंबर का अखबार उस समय भगवान जी कृपा से था वो तोड़ दिए गए थे, 3 दिन तक अखबार निकल नहीं पाया था। स्वाभाविक रूप से ये स्थिति जी की समर्थन करूंगा कि वो जो आदेश दिए गए थे, कंट्रोल जो था सारे एसपी कलेक्टर का कंट्रोल सीधा प्रधानमंत्री निवास पर था, तो वो जो आदेश का पुलिस ने जो दुरुपयोग किया है, सड़क चलते लोगों को डंडे मारे हैं, सड़क चलते कोई अपील नहीं थी कोई दलील नहीं थी, इसका इंदिराजी ने खुद माफियां मांगी हैं, जब चुनाव सभाएं हुई उन्होंने माफियां भी खुद उन्होंने माफियां मांगी हैं। इस पर किसी शायर ने एक लिखा भी था कि दामन में धब्बे खून के रहने भी दीजिए, महशर में आकर ढूंढेंगे फिर किस निशान से हम, दिल्ली के कोई शायर थे बहुत मशहूर हुई थी ये लाइन है, उन दोनों जनसंघ वालों ने इस लाइन को, जनता पार्टी वालों ने चुनाव प्रचार अभियान भी बनाए थे इन लाइनों का, तो ये सारा का सारा निकल गया। लेकिन आपातकाल में मैं दो अलग अलग बातों को देखूंगा, आपातकाल में दो एक अच्छे काम हुए, आपातकाल ने इंदिरा जी के उस काम को सारा बिगाड़ दिया, जैसे मटके भर दूध में हम आकर के दही डाल दें एक कटोरी दही तो वो सारा खत्म होता है, इंदिरा जी ने जो काम किया था भारत पाकिस्तान युद्ध का काम हो, कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण का काम हो, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम हो, उनके अच्छे काम थे, लेकिन आगे चल करके वो जो उन्होंने निर्णय लिया आपातकाल का वो उनके सारे के सारे काम धुल गए उसमें। तो लेकिन उसमें दो काम जो हुए आपातकाल की उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, एक तो रेल बिल्कुल टाइम पर चलने लगी थी, उससे पहले रेल जो है इतनी लेट होती थी, पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ और 24 घंटे में रेलें समय पर चलने लगी, और 24 घंटे के भीतर आवश्यक वस्तुओं के दाम, उन दोनों एक वनस्पति घी आता था उसका नाम क्या लेना कंपनी पर, वो 6 रुपए किलो हो गया था, 24 घंटे में वो 2.25 रुपए किलो हो गया था, तो कुल मिलाकर के। लेकिन वो जो गिरफ्तारियां हुई हैं खासतौर से राजनीतिक दलों के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने पैसे वसूलने के लिए जो गिरफ्तारियां की हैं वो ऐसा था, कहीं ना कहीं वो लोगों की आह जो थी वो इंदिरा जी पर लगी और वो छाप उन पर लगी रही। अब दूसरा ये जो शब्द आया है हत्या, स्वाभाविक रूप से मैं इस हत्या शब्द से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये तो कह सकते हैं कि उस समय
1975 में 15 जून को उनको एनेस्थीसिया देकर के कानून को सुला दिया गया था, सारे अधिकार पुलिस के पास थे, ये तो मान सकते हैं। लेकिन अब हत्या शब्द कांग्रेस लेकर आई तो भाजपा ने उसका पलट कर जवाब दिया। एक दूसरा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, पिछले कुछ दिनों से मैं भाजपा की रणनीति को एक कमजोर रणनीति मान करके देख रहा हूं। जो विपक्ष जो मुद्दे उठाता है भाजपा उसमें उलझ रही है। जिस प्रकार जातिगत आरक्षण में चुनाव के दौरान भाजपा उलझी, जिस प्रकार मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के भाजपा उलझी, उसी प्रकार ये हत्या शब्द पर भाजपा उलझ गई है। इसका उनको 25 जनवरी को वो मनाए, 25 जून को वो मनाए, वो ठीक है, एक तो 15 दिन बाद आपने किया, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला समाज के ऊपर, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इसको योजना पूर्वक पाठ्यक्रम में उस आपातकाल की जातियों को लेकर के अगर ये पाठ्यक्रम बनाते और उसका जागरूक अभियान चलते तो उसका निश्चित रूप से असर होता हत्या शब्द का। मैं एक बात जानना चाहता हूं बीच में, माफी के साथ में, किस आपातकाल को लेकर भाजपा भविष्य को लेकर उम्मीद देख रही है? भाजपा की दलील है, अमित शाह जी की दलील है सर, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कैसे क्या किया गया था, और उससे उसे लगता है कि आने वाले समय में लोग कांग्रेस को हिकारत भरी दृष्टि देखेंगे। नोटिफिकेशन में सीधे कांग्रेस सरकार को उल्लेखित किया है, पर सवाल इस बात को लेकर है कि जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान ये सारे काम किए, उन इंदिरा गांधी को जिन्होंने उस आपातकाल के दंश को भोगा था, सम्मान 3 साल के भीतर अपने सर के ऊपर बिठा लिया। और इंदिरा गांधी इतनी बड़ी शख्सियत हो गई कि इंदिरा गांधी जब नहीं रही तो उनके बेटे ने जैसी जीत हासिल की लोकसभा चुनाव में अपनी शहादत के बाद इंदिरा गांधी की, वैसी जीत तो आज तक देश के इतिहास में किसी को नसीब ना हुई। तो मेरा आपसे जानना यह है कि जिन्होंने आपातकाल को भोगा उन्हें इंदिरा जी से शिकायत नहीं रही, उन्हें कांग्रेस से इतनी शिकायत नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक रणनीतिकार मान रहे हैं कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके या एक दिन मनाने मात्र से लोग कांग्रेस को खलनायक के तौर पर देखेंगे, कुछ उम्मीद ज्यादा नहीं? नहीं, निश्चित रूप से जो ही मैंने कहा, पहले मैंने खुद ही कहा कि इसका लाभ भाजपा को बिल्कुल नहीं मिलना। आप अगर देखेंगे जेपी के आंदोलन से जो दो लोग खड़े हुए, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि वो जबलपुर के हैं, तो शरद यादव जबलपुर से नेता खड़े हुए, तो पहले जनता प्रत्याशी के रूप में जबलपुर से जीते थे, मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जबलपुर गया था शरद यादव के चुनाव में, तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे लोग, लालू यादव उस समय छात्र राजनीति में थे, शायद कॉलेज प्रेसिडेंट थे उस अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, थोड़ा भूल रहा हूं, तो जो जेपी के आंदोलन से उभर करके आए वो सारे के सारे, उनके परिवार अखिलेश अब कांग्रेस के साथ हैं, लालू यादव और वो अब कांग्रेस के साथ हैं, पूरे देश भर में लगभग ये स्थिति है। उस समय जो नेतृत्व तो उभर करके आया था जेपी के आंदोलन में, उसमें से अधिकांश लोग अब कांग्रेस के साथ चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका भाजपा कोई लाभ उठा पाएगी। जिस तरीके से बीच में कांग्रेस ने अपनी सारी रणनीति, कांग्रेस अगर आज नुकसान में है तो अपनी रणनीति के अभाव में नुकसान में है। कौन लोग उसके सलाहकार हैं, किसके आधार पर तय करती है, ठीक उसी प्रकार में पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि भाजपा की रणनीतियां उनके अपने मूल सिद्धांत से बहुत अलग हैं। तो अब वो क्यों अलग हो रही हैं, कौन उनके सलाहकार इस वक्त आ गए, तो अब ये तो भाजपा वाले जाने। तो लेकिन कुल मिलाकर भाजपा वाले ही जाने, लेकिन मैं वापस सुरेंद्र जी के पास में आता हूं। तो सुरेंद्र जी, सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दी, कांग्रेस में अपने कार्यकर्ताओं को क्या जारी करेगी, सवाल है ना? आप घोषित खलनायक हो गए हैं, अब बाकायदा सरकारी दस्तावेज बता रहा है कि आपने क्या किया भाई। हिमांशु भाई, घोषित खलनायक अगर भाजपा के घोषित करने से हो सकते, हाँ भाजपा के घोषित करने से हो सकते, तो अंग्रेजों ने तो हमें आतंकवादी घोषित कर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को अपना दलाल, भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो आप बताओ हमको, हम तो घोषित आतंकवादी थे, हम भगत सिंह थे, हम महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, हम लोग सुखदेव थे, राजगुरु थे, और भारतीय जनता पार्टी वाले आपके सामने थे कि माफी मांगते घूम रहे थे। तो ना तो उनके करने से कुछ हुआ, ना इनके करने से कुछ होगा। हम तो 2-3 चीजें कहते हैं, अभी जो बात देवेंद्र जी की और शर्मा सर की निकल करके आई, और शरद जी तो खैर बोल ही नहीं पा रहे हैं, शरद जी की अपनी मजबूरियां हैं, इनकी काय को आप नौकरी लेना चाहते हैं, इनके इनको खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था हत्या दिवस। हम तो ये कहते हैं क्या नाम वर्मा साहब और शर्मा साहब,
कि दो चीजें हमने बड़ी स्पष्ट है, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है 400 की सीट लाकर, और संविधान की हत्या करना चाहती है, सत्या हुई नहीं हमने ये नहीं, और हमने ये भी कहा कि हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। इन चीजों में और हत्या हो जाने में दोनों में फर्क है। तो आप उस शब्द को लेकर के, आप हमारे शब्द को लेकर के अगर आप चलना चाहते हो तो हमने तो और तमाम काम किए, उन कामों को लेकर हमने तो राइट टू एजुकेशन दिया, आप कोई राइट टू हेल्थ दे देते, हमने तो राइट टू फूड दिया, आप कोई दूसरा राइट दे देते, हमने तो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आपने राइट टू इंफॉर्मेशन किए को एक तरीके से खत्म कर दिया। हम तो हत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो क्या नाम चीफ इलेक्शन आपके पास ना सीबीसी रहता है, ना आपके पास कोई सतर्कता आयुक्त रहता है, कोई नहीं रहता आपके पास, आपने बिल्कुल इंफॉर्मेशन के कानून को तो एकदम खत्म कर दिया। तो यहां पर आप एक चीज को देखिए कि भारत देश के मुख्य मुद्दे क्या हैं, ये लोग क्यों चाहते हैं इस तरीके की बात हो, ये लोग इसलिए चाहते हैं कि जाति जनगणना का को भोथरा किया जा सके। क्यों? क्योंकि जितने रीजनल दल हैं उस वक्त के एक और अनेक कारणों से कांग्रेस के मुखालिफ थे, उनको ये इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि जाति जनगणना पर बात मत कीजिए, लेकिन जाति जनगणना पर तो हिमांशु जी बात होगी। आप इस चीज को देखिए, हम चाहते हैं कि 29 लाख पद भरे जाए, आप संविधान हत्या दिवस बनाइए, कुछ बनाइए, आप जो है 29 लाख जो केंद्र के पद हैं वो बच्चों को दीजिए। नीट का जब हम लोगों ने बाहंगामा किया, रीनीट कराइए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है आज की डेट में उससे विषयांतर हो, इसलिए 25 जून को संविधान दिवस की हत्या मनाना चाहते हैं, मनाइए आप, लेकिन सुरेंद्र भाई बीच में रोकना चाहता हूं, ये 400 बार इसलिए चाहते थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते थे। एक ऐसा राजनीतिक दल जो स्वयं संविधान में बदलाव का हिमायती रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके आराध्य, देश में कई लोगों के लिए आज भी रोल मॉडल हैं, उन्होंने कहा था संविधान में आवश्यकता के अनुसार बदलाव होते रहने चाहिए, और बदलाव की प्रक्रिया भी संविधान में ही दी गई है कि संविधान के किस प्रावधान को किस प्रक्रिया के तहत बदला जा सकता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी समय अनुकूल उसमें बदलाव की हिमायती है तो उसको आप संविधान विरोधी क्यों करार देना चाहते हैं? आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतने निर्मम क्यों हैं? दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव के साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्या आप दोनों की मंशा देश की बेहतरी नहीं है? तो कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल देश के शत्रु के तौर पर बताकर ही अपनी ऊंचाई क्यों हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल जहन में आता है, थोड़ा बताइए ना। हाँ, दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने कही संविधान के प्रावधानों को बदलना, संविधान में बदलाव, तो संविधान में बदलाव के लिए आपको 400 सीट नहीं चाहिए, संविधान में बदलाव के लिए आपको साधारण बहुमत चाहिए, और वो लगातार कांग्रेस ने भी किए, वो कह रहा उससे पहले गैर कांग्रेसी पार्टियों ने भी किए, और आज की डेट में भाजपा ने भी किए। लेकिन संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़, जैसे आरक्षण है, आरक्षण को लेकर के मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि यूपीपीएससी में होम्योपैथी के जो फार्मासिस्ट हैं उनकी कुछ वैकेंसियों का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया कि साहब 397 के आसपास वैकेंसी, जिसमें 161 अनरिजर्व्ड है, 83 शेड्यूल कास्ट की है, 7 जो है एसटी की है, और 39 ओबीसी की है, और 107 ईडब्ल्यूएस की है। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप अगर संविधान की मूल भावना यानी आरक्षण को अगर आप छेड़ना चाहते हैं, आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो आप संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में बदलाव और संविधान को बदलना, इन दोनों चीजों में अंतर समझना होगा। हम संविधान में बदलाव के वाहक है। अभी आपने कर दिया भारतीय दंड संहिता कर दी, उसमें आपने 420 को 108 कर दिया, ये सब इसमें हमने जो विरोध है पुलिस राज का वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जो संहिता वो कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर संविधान की मूल भावना को गड़बड़ तो आप सारी कर रहे हो, अब बार बार आरक्षण का उल्लेख कर रहे हो। भाई संविधान जब बना था उसमें आरक्षण तो 10 साल के लिए प्रावधान था, संविधान निर्माताओं ने तो 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी, अब आप उसे अभी तक बनाए हुए हो और इसके बाद कह रहे हो कि आप इसे बदलना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक कहीं से भी नहीं कहा, भाजपा के किसी आधिकारिक नेता का बयान अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं आया जिसके आधार पर सुरेंद्र राजपूत जी कहें कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपके पास है तो आप बताइए। मैं बता
हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ कि आप चूंकि देवेंद्र जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बड़ी स्पष्ट रूप से, पहली चीज तो 10 साल का प्रावधान था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि उसको बढ़ाया जा सकता है जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचे। वो देवेंद्र जी बताएंगे, वो मेरा विषय नहीं, चूंकि वो राजनीतिक के साथ कानूनी विषय ज्यादा है। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, आप इस बात को ये कह रहे हैं ना कि कैसे बदलना चाहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था की सारी चीजें ये लोग जो करना चाह रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मैं मेरे दिमाग से निकल गया, आप कुछ कह रहे थे भी कि भाजपा के किस नेता ने कहा कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूं आपसे, आरक्षण को खत्म करने का तो भाजपा का आधिकारिक स्टैंड मोहन जी भागवत ने दिया था 2015 में दिया था बिहार। सुरेंद्र राजपूत जी दर्द को समझो भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो सुरेंद्र राजपूत जी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, आपने उनका बयान नहीं सुना था क्या चुनाव के दौरान? उन्होंने कहा था, बोले रहा होगा कभी जब हमें आरएसएस की जरूरत रही होगी, पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो अब मोहन भागवत के बयान को आप जेपी नड्डा का बयान बता, जेपी नड्डा जी तो खुद ही कह चुके क्या वो आरएसएस नहीं। नहीं सर, अरे सर 2024 तक बताता हूं, आरएसएस के संघ प्रमुख यानी भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, या तो अभी क्या नाम पंडित जी बैठे हुए हैं आपके जो शरद जी हैं, ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन है, हमें कोई मतलब नहीं आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी नहीं सॉरी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन जी भागवत, उसके बाद भैया जी जोशी, उसके बाद दत्ता क्या नाम साहब होसबोले, ये तीन लोगों ने, उसके बाद अनंत हेगड़े जो कानून मंत्री राज्य मंत्री थे, उन्होंने क्या नाम बेंगलोर में कहा कि हम संविधान को बदलना है इसलिए हमें 400 सीटें चाहिए, इनके सांसद जो लॉ मेकर हैं लल्लू सिंह अयोध्या के, उन्होंने कहा कि इसकी इनकी जो सांसद पर प्रत्याशी थी क्या नाम वहां की ज्योति मिर्धा राजस्थान की, उन्होंने कहा जी ज्योति मिर्धा, उन्होंने कहा इनके प्रत्याशी जो इस समय लॉ मेकर हो गए हैं अरुण गोविल मेरठ में, उन्होंने कहा। इस तरीके से मैं एक सैकड़ा नाम आपको लिस्ट में दे सकता हूं जिन्होंने कहा कि हमें चार। सुरेंद्र राजपूत जी इस बात पर कायम है कि ये संविधान के मूल भावनाओं से छेड़छाड़ के हिमायती थे। शरद जी आप थोड़ी मुश्किल में है, तो शरद जी फिर से कोशिश करते हैं आपके साथ अपने संवाद की, क्या कहते हैं आप भी जरूरत महसूस कर रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस की जगह कोई और दिवस हो जाए ज्यादा बेहतर है, हत्या शब्द शायद फिट नहीं हो रहा, जल्दबाजी में हो गया, पहला सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं इसके संदर्भ में, उम्मीद कुछ ज्यादा तो नहीं हो गई, रणनीति कहीं कुछ चूक तो नहीं रही, रमेश शर्मा जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहा है कुछ गड़बड़ा रहा है, शरद जी भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए मानशो जी, सुरेन भाई ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने हमें नई जानकारी दी जो मुझे नहीं थी पहले, शायद हमें लग रहा पैनलिस्ट को भी नहीं रही होगी कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कांग्रेसी थे, उन्होंने कब कांग्रेस ज्वाइन करी है मुझे नहीं ज्ञान है, हो सकता करी हो, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज है जो इन्होंने कही कि साहब संविधान की मूल भावना की हत्या कर रहे हैं, तो संविधान की मूल भावना में कहीं समाजवाद नहीं था, कहीं सेकुलरिज्म नहीं था, आपने अमेंडमेंट लाके संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को लेके आए, ये तो कहीं उसकी मूल भावना में नहीं था, लेकिन आप लेके आए, आपने संविधान की हत्या करी, आप उसको ले आए, सब जनता को आपने कहा कि आप इसको मान लीजिए, सारे देश ने उसको मान लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरे एक चीज इन्होंने कही है कि साहब जो 400 पार का नारा है वो संविधान की हत्या करने के लिए है, तो 414 जब सीटें आई थी राहुल राजीव जी की, तो क्या वो इसीलिए लाए थे 414 सीटें कि उनको संविधान की जो है 10 बार हत्या करनी थी? तो ये एक देखिए राजीव गांधी ने उस दौर में कभी ये नहीं कहा था कि मुझे 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान में बदलाव करना है। अगर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को ये मौका मिलता है कि आपका 400 पार का लक्ष्य संविधान में बदलाव के उद्देश्य की भावना के तहत था, तो उसकी बड़ी वजह आपकी पार्टी के ही जिम्मेदार नेताओं का बढ़ चढ़कर दिया गया बयान था। क्या शरद जी नहीं मानते कि हमारे नेताओं ने गलती की, हमारे नेताओं की चूक थी, हमारे नेताओं ने विपक्ष को अवसर दिया निशाने पर आने का? क्या बोलते हैं शरद जी, इसे स्वीकारने में भी कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको? हिमांशु जी, संविधान में बदलाव का प्रावधान भी कांग्रेस ही लेके आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इन्होंने ही बनवाई थी,
वही लेके आए थे। तो अगर संविधान में बदलाव किया जा रहा है देश की बेहतरी के लिए, देश में अच्छी सुविधाएं देने के लिए, हमारे नागरिकों को अपने अधिकार देने के लिए, तो करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब आप 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि आपको संविधान की हत्या करनी है। तो इस हिसाब से तो राजीव जी ने तो 10 बार हत्या करी है संविधान की। और एक जो अभी इन्होंने कहा कि इम्तिहान में किस तरह की गड़बड़ी हुई है, राजस्थान में जो रीट का एग्जाम था, राजस्थान टीचर्स एजुकेशन का जो टेस्ट था, उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्कल उसमें शामिल था, उसके ऊपर सीबीआई का केस चल रहा है उनके ऊपर। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं, इन्होंने खुद ये सारा काम शुरू किया। इन्होंने कहा संविधान की हत्या, हमने तो नहीं कहा था। जब इन्होंने ये बात कही तो हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि साहब आप फलाने तारीख को संविधान की हत्या को सब लोग मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, इनके साथ हम मनाने को तैयार हैं। अब जब हमने कह दिया तो अब मैं देवी वर्मा जी आपके पास जाना चाहता हूँ, और जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उसे दिन के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निजी तौर पर कई दिन है जिन्हें अलग अलग तरीके से मनाती है, पर अब ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, हम इस तारीख को इस दिवस के रूप में मनाएंगे और कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया था इसलिए मनाएंगे, क्या आपको नहीं लगता आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है इस देश में? जो भी सरकार बहुमत में आएगी वो अपनी विरोधी पार्टी को चिन्हित करने के लिए अब इस प्रकार के सिलसिले को शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो एक बेहद जिम्मेदार राजनीतिक दल समझा जाता है, उसकी ये शुरुआत आने वाले समय में चिंताएं पैदा कर रही है। अब जगन रेड्डी को लेकर माननीय चंद्रबाबू नायडू कोई दिन घोषित कर दें, ये इस रूप में मनाया जाएगा। ममता बनर्जी लेफ्ट के संदर्भ में कोई दिन घोषित कर दें, बेंगलोर में माननीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कोई दिन घोषित कर दें, आने वाले समय को कैसा देख रहे हैं? क्या हम एक मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, या हम एक ऐसे लोकतंत्र में जा रहे हैं जहां पर हमें असहमति बर्दाश्त ही नहीं करनी? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ये सिस्टम सफल नहीं हो सकता। और आज एक्चुअली आज विरोध नहीं है एक दूसरे का, पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है, अब आज की स्थिति में ऐसा हो गया कि शत्रुता हो गई है। और ये शत्रुता कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी इसका अभी कोई आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिन पर दिन ये शत्रुता बढ़ती जा रही है। जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं वो स्टेटमेंट और अधिक खतरनाक आ रहे हैं। और जैसा अभी आपने शुरू में कहा था कि ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वहां पर भी बहुत बाइडेन और उनके बीच में काफी चुनाव प्रचार के दौरान काफी शत्रुता का माहौल है यूएस में भी, तो कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि दोनों ही दलों को, जो कि प्रमुख दल है, एक पक्ष है एक प्रतिपक्ष है, इनके नेताओं को बैठकर और बहुत समन्वय के साथ में चलाना चाहिए। क्योंकि हालांकि इस सबके पीछे जो ये इतने सालों का भ्रष्टाचार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि ये सारा मैं भ्रष्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तो नियम कायदे कानून के हिसाब से वो कार्रवाई चलती रहे, लेकिन आपस में बातचीत में थोड़ी सी शिष्यता, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान एक्चुअली मूल तत्व है प्रजातंत्र की सफलता के लिए, और इसका पालन तो दोनों ही दलों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, मेरा इसमें ये सलाह है। अदरवाइज आने वाला समय बहुत खराब समय मैं विजुलाइज कर रहा हूं। खराब समय के तौर पर तो देख ही रहे हैं देवेंद्र जी, एक ये और बताइए, सुरेन राजपूत जी कह रहे थे कि इस विषय में शायद देवेंद्र वर्मा जी बता पाएंगे। सुरेन ने दलील दी कि संविधान में बदलाव के लिए 400 की क्या जरूरत है, सामान्य बहुमत से बदलाव हो सकता है। पर मेरी जानकारी ये कहती है कि कुछ विषयों के संदर्भ में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, 2/3 या उससे अधिक। थोड़ा इसमें भी रोशनी दे दें, हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे कि संसद में एक सीमा से अधिक का बहुमत का ख्वाहिशमंद राजनीतिक दल क्यों रहते हैं, विशेषकर लोकसभा में। क्या है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मूल धाराएं हैं उनमें यदि संशोधन की आवश्यकता है तो उसके लिए न केवल राज्यसभा और लोकसभा बल्कि 15 राज्यों का रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है और 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत होती है। वो अलग अलग है, मैं इस समय आपको वो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में या लोकसभा में मैं जो सामान्य बहुमत से काम नहीं चलता, जब आपको कुछ विशेष उद्देश्यों की दृष्टि से संशोधन की जरूरत दरकार होती है उसके लिए प्रचंड बहुमत
सदन में आवश्यक होता और उस हसरत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए वो बयान कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के लिए मददगार बने हैं यह बताने के लिए कि इनका मूल उद्देश्य इस प्रचंड बहुमत के साथ संविधान के अंदर छेड़छाड़ करना है। पर मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहूंगा रमेश जी, कुल मिलाकर क्या मानते हैं आप, हम जा कहां रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। आजादी का अमृतकाल, पक्ष और विपक्ष परस्पर संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं, एक ऐसा अमृतकाल जिसके अंतर्गत सत्ता पक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच में संवाद दो राजनीतिकों के बीच में नहीं बल्कि दो दुश्मनों के बीच में हो रही प्रतिद्वंदिता के रूप में दिखाई देता है। क्या यह अमृतकाल देश को दुनिया के बीच स्थापित करेगा? आपको लगता है जिम्मेदार लोगों को नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, अपने संदर्भ में भी और दूसरों के संदर्भ में। ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही, जो लोग भी जितने शीर्ष स्थान पर हैं उनको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर सद्भाव दिखाने की जरूरत है, व्यक्तिगत आक्षेप से अलग हटकर के राजनीति करने की जरूरत है, विपक्ष को सत्ता पक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करे। ऐसे उदाहरण इसी देश में है, इंदिरा जी की हम लोग बात कर रहे थे, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब इंदिरा जी ने विशेष विमान से अटल जी को नागपुर भेजा था संघ प्रमुख से मिलने के लिए। अटल जी अगर इलाहाबाद के अस्पताल में एक बार बीमार होकर के भर्ती हुए थे तो विशेष तौर से उसकी पट्टी डलवाई गई थी वहां पर, तो ये जो आप देखने को मिलता नहीं। ठीक उसी प्रकार विपक्ष ने भी जिस तरीके से इंदिरा जी का स्वागत किया था, उनको दुर्गा का शक्ति बताई थी, ये जो आज जो मुझे लग रहा है आज राष्ट्र की और राष्ट्र की नीतियों पर बात नहीं हो रही है, आज केवल राजनीति और सत्ता के लिए बात हो रही है। आपकी बात के समर्थन में एक बात मैं कहना चाहता हूं, आने वाला समय भारत के लिए कठिन समय आने वाला है। विश्व की कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहती हैं। वो बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति तभी हमारी कमजोर होगी जब आंतरिक अशांति पैदा होगी। वो आंतरिक अशांति अगर छोटी छोटी बातों पर वो फिर राजनेता उसको उठा लेंगे, कहीं ना कहीं सत्य कमजोर होगा, तथ्य कमजोर होगा, और तर्क के आधार पर अगर बातों को उठाएंगे मैं समझता हूं ये देश के विरुद्ध है। विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए, जो सीटें मिल गई हैं उसमें संतोष करें, सत्ता दल भी सोचे जो सीटें मिल गई हैं उसमें संतोष करें, और दोनों मिलकर के ये जो आप देख लीजिए जिस तरीके से अभी हफ्ते भर की खबरें देखिए, कश्मीर में कैसा आतंकवादी हमला शुरू हुआ, त्रिपुरा में कैसा हुआ, मणिपुर में कैसा हुआ, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं मैं समझता हूं इन सबसे सबक लेकर के राजनीति प्रतिद्वंदिता चुनाव में हो, राष्ट्र के लिए सारे लोग मिलकर के एक साथ काम करें तो हम भारत को श्रेष्ठतम बना पाएंगे। जी श्रेष्ठतम भारत बना पाएंगे। तो अगर हम आज बातचीत के मुकाम पर पहुंचे, इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचे, तो सीधे तौर पर पता ही चलता है कि हमें इस समय संविधान हत्या दिवस की जरूरत नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध होने की जरूरत है। राजनीति के स्थान पर राष्ट्र नीति भी राजनीतिक दलों के लिए कोई महत्व का विषय होना चाहिए। जनादेश जिस रूप में आया है उस जनादेश को लेकर खींचने के स्थान पर उस जनादेश के अनुरूप कार्य करने की उम्मीद हमें देश के जिम्मेदार राजनेताओं और राजनीतिक दलों से है। क्या ये राजनेता और राजनीतिक दल अपने इस जिम्मेदारी के एहसास इस देश के लिए बेहतरी के लिए काम करते हुए भी दिखाई देंगे? सवाल है, आने वाले समय में इनका आचरण ही हमें इसका उत्तर देगा। एक आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप सादर प्रणाम।